सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। राजधानी के चारबाग स्थित होटल विराट इंटरनेशनल और SSJ इंटरनेशनल में मंगलवार सुबह अचानक आग लग गई। आग लगने के बाद काला धुआं देखते हुए लोगों ने शोर मचा पुलिस को इसकी सूचना दी। इसके बाद तकरीबन दर्जन भर दमकल गाड़ियों ने कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस आग में एक बच्ची समेत चार लोगों की जलकर मौत होने की सूचना मिली है। घटना के बाद SSP समेत तमाम अधिकारियों ने मौके पर पहुंच जायजा लिया। चारबाग रेलवे स्टेशन के पास मौजूद होटल SSJ इंटरनेशनल की पहली मंजिल पर मंगलवार सुबह 5:30 बजे के करीब आग लग गई। उस समय होटल में मौजूद ज़्यादातर लोग सो रहे थे। इसके बाद जब लपेटे देख होटल कर्मियों ने शोर मचाना शुरू किया तो भगदड़ मची और आग के विकराल रूप धारण करने से पहले महज कुछ ही लोग वापस निकल पाए। मैं बनारस से आया हूँ, मेरा नाम शेख हजाजुद्दीन है। किस होटल में आप ठहरे? ये बगल वाले विराट। अच्छा, कैसे क्या घटना हुई थी? 5 बजे भोर में आवाज चिल्ले चिल्लाने की रोने की आवाज आई। बाहर निकल के देखे तो पूरा गेट खोले तो पूरा रूम जो है धुएं धुएं से भरा हुआ था। कोई किसी को पहचान नहीं रहा था, सब लोग भागने के फिराक में था। होटल के कोई कर्मचारी नहीं थे, सब गायब थे। कैसे क्या आपने जान बचाई अपनी? मैं अपने फैमिली 5 लोगों के साथ मैं आया हूँ। फैमिली को लेकर किसी तरह जो है कम्बल साल ओढ़ कर बाहर आया। क्या पता चला कैसे आग लगी? कुछ पता नहीं चला। घटना के संदर्भ में SP विकास त्रिपाठी ने बताया कि दोनों होटलों से रेस्क्यू टीम के जरिए 8 लोगों को निकाला गया, जिसमें 4 लोगों की मौत हो चुकी है। नाका थाना क्षेत्र में दूध मंडी है, यहाँ पे 2 होटलों में आज सुबह करीब 6 बजे जानकारी हुई कि 2 होटलों में गंभीर आग लग गई है। इस पे तत्काल हमारी फायर की टीम, थाने की टीम, PSC बल और मजिस्ट्रेट्स और सिविल डिफेंस के लोग तत्काल यहाँ पे आ गए और रेस्क्यू ऑपरेशन अलग तुरंत प्रारंभ किया। दोनों होटलों में मिलाकर के करीब 50 से भी अधिक लोग रुके हुए थे और कल यहाँ पे परीक्षा थी, उसके भी कई सारे कैंडिडेट यहाँ पे थे। उनमें सभी लोगों को निकाल लिया गया, कुछ लोग स्वतः निकल गए थे, कुछ लोगों को हमारी रेस्क्यू टीम ने निकाला। 8 लोग यहाँ पे दोनों होटलों में मिला करके 8 लोग गंभीर रूप से जो घायल थे उनको हॉस्पिटल्स में भेजा गया है, जिसमें से 4 की स्थिति क्रिटिकल बताई गई है। उनकी अपडेट स्थिति जानकारी अभी वहाँ से आनी शेष है। बाकी आग लगभग बुझ गई है, 1-2 जगहों पे धुआं निकलना सुलग रहा है, उसको हमारी टीम बुझा रही है लगातार। वहाँ ऐसा लगता है कोई प्लास्टिक या कोई और ज्वलनशील पदार्थ है जो रह रहा सुलग रहा है। घटना क्यों हुई, किस कारण से हुई, इसके बारे में हमारे यहाँ CFO साहब है और फायर की टीम है, वो उसकी जाँच पड़ताल कर रही है और जो भी फैक्ट इसमें निकल करके आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। सर, इलाका है कि क्या कारण है कि जो यहाँ पे आग लगने की सूचना इस तरीके की? नहीं, ये मैंने आपको जैसा बताया कि कारणों की हम जांच कर रहे हैं अभी, चूंकि सारी चीज़ें हम भ्रमण करके वहाँ पे देखना शेष है कि कहाँ से आग शुरू हुई और क्यों आग लगी है। वो हमारे फायर के जो विशेषज्ञ अधिकारी हैं वो यहाँ पे हैं मौके पे और जो भी चीज़ें निकल करके आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। इतनी घनी बस्ती है यहाँ पे, सकरी गलियाँ हैं, पहले भी हाईकोर्ट का आदेश हो चुका है होटलों के खिलाफ में कि जहाँ पार्किंग नहीं है या जो सकरी गलियों में है उन पर कार्रवाई हो, कोई उस तरह की कार्रवाई नहीं होती और इस तरह से फिर एक हादसा हो रहा है। यहाँ पे टैक्सी स्टैंड भी संचालित है जिसकी वजह से गाड़ियों पर, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को आने में काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं, इसको लेकर के क्या कदम उठाए? सारी चीज़ें जाँच का विषय, सारी चीज़ें जाँच का विषय, इसमें अन्य विभाग भी कंसर्न उनका रहेगा और जो भी चीज़ें इसमें आवश्यक होगी वो कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाद SSP लखनऊ और कैबिनेट मंत्री रीता बहुगुणा जोशी ने भी घटना स्थल पर जाकर जायजा लिया। मुआयना करने के लिए क्या अभी तक किया? देखिए, मेरा क्षेत्र है और चारबाग आप जानते हैं, यहाँ पर रेलवे स्टेशन है और यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त व्यापारी हमारा हम लोगों का ये क्षेत्र है और यहाँ ये 2 होटल्स हैं, विराट और SSJ। इनमें कल आज सवेरे 4 बजे करीब आग लगी। लोग कह रहे हैं शॉर्ट सर्किट है, लेकिन इसकी जांच होगी मैजिस्ट्रियल कि कैसे और क्यों आग लगी और क्या परेशानियां थी। 55 लोग अंदर से निकाले गए हैं, कुछ आसपास के होटल्स में हैं और करीब 7 लोग घायल हैं जिनको अस्पताल में भेजा गया है। 7 लोग तो शायद सिविल में गए हैं और 2 ट्रॉमा में गए थे, बर्न इंजरीज थी उनको भी भेज दिया गया, तो शायद बलरामपुर और सिविल में मिलाकर 9-10 घायल लोग हैं। अब क्या परिस्थितियां हैं, कैसे हुआ, इस पर हम लोग गंभीर जांच करके और उन ऐसी परिस्थिति दोबारा उत्पन्न ना हो उसको देखेंगे, क्योंकि एम्बुलेंस थोड़ा देर से पहुंची। विलंब से आने का कारण क्या था, कोई ये कहते हैं, ये भी है कि इतना जाम था रास्ते में अनाधिकृत पार्किंग के वजह से टैक्सीज के और टेम्पोज के कि वो यहाँ पहुँच नहीं सके जल्दी। लेकिन इस प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं और हो सकती हैं, उसके लिए व्यवस्थाएं देखनी पड़ेंगी। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।